हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे लिटरली रट गई है लाइंस। तो अभी बजा है सुबह का 11:30 और लग रहा है जैसे सुबह का 6 बजा हो। देख रहे हो, मतलब यहाँ पे 3-4 दिन से धूप नहीं निकली। मतलब धूप तो बहुत दिनों से नहीं निकल रही है, बीच में निकली थी 1-2 दिन के लिए, धूप निकल नहीं रही है, पानी बरस रहा है और अभी भी बिल्कुल हल्की हल्की सी बौछार सी फील हो रही है, बट ठंड कम है। जब पानी बरसता है तो ठंड थोड़ी कम होती है, ठंड तब बढ़ती है जब शीतलहर चलती है। तो आज है हरछठ, तो अभी हरछठ नहीं सॉरी आज है अबे यार सकट है आज। मतलब लिटरली इतनी पूजाएं होती हैं हम लोगों में कि याद ही नहीं रहता कौन सी पूजा है। तो अभी नीचे पूजा वूजा की तैयारी हो रही है, अभी बुआ आएंगी फिर लोग पूजा वूजा करेंगी। तो मीन वाइल क्योंकि बहुत दिन से क्योंकि ऊपर आए नहीं है जाड़े की वजह से, तो आई वॉज हियर टू यू नो सी माई प्लांट्स इनकी क्या दशा है। तो भाभी ने एक पेड़ में ना वो लगाया था, टमाटर का ऐसे पेड़ लगा दिया था, वो बड़ा हो गया और उसमें बड़े बड़े टमाटर निकल आए हैं। तो लेट मी शो यू, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो गाइज, ये देख रहे हो, ये देखो ये टमाटर। तो गाइज आना कभी मेरे घर, टमाटर की सब्जी खिलाएंगे और टमाटर की चटनी खिलाएंगे। सो दोस्तों यहाँ स्टार्ट हो गई है सकट चौथ की पूजा। तो मुझे बेसिकली इसकी डिटेल्स नहीं पता है, बट हाँ मुझे इतना पता है कि इसमें जो है पंजीरी का बकरा बनाया जाता है, जो कि वो देखिए थाली में आपको दिख रहा होगा ये। तो इसको जो लड़के हैं वो काटते हैं चांदी के सिक्के या पायल से, तो अभी मैं काटूंगा ऑब्वियसली। और ये जो व्रत होता है ये मम्मियाँ अपने बेटों के लिए रखती हैं। तो या तो बस मुझे इतना ही पता है, बाकी मुझे पता नहीं है। तो अभी यहाँ पूजा हो रही है, भाभी कथा कह रही हैं, तो बने रही है साथ में। वो बड़ी परेशान है, वो भन बनाती हुई अपना गई उनके पास कि क्या तुमने हमको ये सब उल्टा सीधा बता दिया, देखो ये सब क्या हो गया घर में। तो बोली हमने तो हमारे नहीं था, हमने उस भाव अगर हाय 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 रानी की बच्चा है। तो राजा बड़े खुश हुए, बोली माम रानी से मिलना चाहती हूँ, अभी ना मिलो राम राजा साहब, जब बच्चा हो जाएगा ये यहाँ से काटिंग बकरा पहले होता था, वोट में ना लगे नहीं मुझे नहीं और मुझे ना मिल रहा सही आदमी को सेव का टेंशन तो ना रहे। अरे टेंशन बेकार लगता है आदमी बिना मुझे के आ करो बस के So, दोस्तों अब होने जा रही है हमारी चाय और साथ में सैंडविच और ये चटनी। सो गाइस बजा है शाम का 7:15 और मेरी जो है वो नंबर प्लेट आ गई है, तो मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी में नंबर प्लेट लगवाने। तो मिलते हैं आपसे बाद। सो दोस्तों ये HSRP वाली नंबर प्लेट जो है ये कंपलसरी हो गई है, तो जिस किसी ने नहीं लगवाई है प्लीज लगवा लें। सो गाइस अभी बज गया है 8:30 और हम लोग आए हैं इंडियन एक्सपो। ये क्या है, ये कौन सी एक्सपो है? इंडियन एक्सपो नहीं, ये कोई हाँ क्या है? एक्सपो है, कोई तो एक्सपो है। मतलब हम लोग यहाँ प्रदर्शनी लगती है उसमें आए हैं, तो ये है उसका गेट यहाँ से है। मतलब सो गाइस दिस इज हैंडलूम एक्सपो और मैं सोच के आया था कि मैं यहाँ चना जोर गरम खाऊंगा, बट चना जोर गरम तो यहाँ का है ही नहीं। एंड आई शुड शो यू वन मोर थिंग, ये देख रहे हो ये ब्रिज, तो ये हमारी मेट्रो है। ये मेट्रो मोती झील स्टेशन से इधर से आके या आगे यहाँ पे अंडरग्राउंड हो जाएगी। क्या खरीद रही हो बेचा? टम्बलर लेने जा रहे हैं। हिंदी में बोलो टम्बलर क्या होता है? चाय वाला कप। ओके तो मिल जाएगा यहाँ? कौन सा? अच्छा दीज आर कॉल्ड टम्बलर्स, आई थॉट दीज आर मग्स। सो गाइस सी दिस, ये सब बोन चाइना की क्रॉकरी है यहाँ पे। दिस इज नाइस, कितने का मिला? 150 ईच की दोनों दानों। सही है तो वो बोलते हैं ठंड चली गई। नहीं 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 तुम कुछ खाने के लिए कह रही थी, भेगुड़ी खाते हैं ना, चले मैं छोले भटूरे खाऊंगा। What are you gonna eat?
क्या खाना है? वो है भेलपुरी। तुमने क्या खाना है? अच्छा, आई वॉन्ट टू हैव सम छोला भटूरा। सुनाओ। लोग थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करते हैं। हाँ। एक चीज आप, एक चीज। कैसी है? हमें तो अच्छी लगी, बढ़िया है ना? तुम्हें तुम्हें को खानी थी, कैसी है? अच्छी लगी। स्वीट फूड इज ऑलवेज गुड। स्वीट फूड इज ऑलवेज गुड। मम्मी चाउमीन खा लो, तुम्हारे टाइप का था, एकदम बढ़िया बनवा दें। अरे अच्छा रहे, तो अभी मनी देख रहे हैं। व्हाट आर यू बाइंग बुआ जी? बुआ जी बेटा स्वेटर देख रहे हैं फूफा। ओके okay. ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम लोग यहाँ आते तो फूफा को हमेशा कुछ ले? हाँ, जम्मू कश्मीर के। हम अपनी चीजें ढूंढते, अपना खरीद लेते हैं जम्मू कश्मीर के, सब एक तरफ, ये एक तरफ। अच्छा बुआ, हम ये पूछ रहे थे चाउमीन खानी है क्योंकि अच्छी। हाँ बहुत बढ़िया है, मम्मी के लिए पूछ रहे हैं, तो अगर खाओ तो एक प्लेट ले लें। थोड़ी बहुत हम भी खा लेंगे, है ना? चले। नहीं नहीं तुम खरीदो, हम पूछने ही आए थे। अच्छा लग रहा है ये स्वेटर, ये और अच्छा लग रहा है। Oh, made pickles. हरी मिर्च की चटनी है, इसमें साल भर की लाइफ रहती है, साल भर तक ये खराब नहीं होता, तब ये चटनी आती है। मैम कैसे 200 रुपए का आ जाएगी। सो दोस्तों, ये एक्सपो जो है यहाँ पे हर साल विंटर्स में लगती है, और मतलब पूरे इंडिया के हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का जो भी स्पेशलिटी होती है, कपड़ों की या खाने की या फर्नीचर की या जिस भी चीज़ की होती है, तो ये लगता है यहाँ पे हर साल 1-1.5 महीने के लिए लगता है। और तो जैसे कि यहाँ पे है कश्मीरी वुलन्स हो गए, है लुधियाना वुलन्स हो गए, कोलकाता की साड़ियाँ हो गई, बनारस की साड़ियाँ हो गई, सिल्क हो गया साउथ का, एंड ऑल दैट एवरीथिंग। तो वो सब कुछ यहाँ पे होता है, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और उस हिसाब से मैं अभी कैप्चर नहीं कर सकता अपने व्लॉग्स में, इतना कुछ है यहाँ पे। तो चूंकि मैं यहाँ आया हूँ इसलिए मैंने आपको दिखाया है। सो यार बुआ जी, हाँ, अभी मैं बाहर क्या हाँ अभी मैं बाहर शूट कर रहा था, मैं और आपकी बड़ी वाली बेटी तनु, तो हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, वहाँ एक बच्चा चिल्लाया कार से कि आई एम योर सब्सक्राइबर, तो होगा तो उस पे आपका क्या कहना है? अरे वो जरूर सब्सक्राइबर होगा, पहचान गया होगा, उसने हमको नहीं देखा, नहीं कहता क्या सिद्धार्थ की बुआ भी है। यस गरिमा ए तनु, चल टेल पीपल व्हाट हैपेंड, वहाँ पे भी क्या हुआ, वहाँ पे भी जब शूट कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे क्या हुआ? हाँ बोलता है, hey, I'm your subscriber. है ना? आई एम नॉट लाइंग ना? नो यू आर नॉट। ये सो गाइस, मैंने इन लोगों को जो है क्या होली के भैया दूसरा गिफ्ट अभी से दिला दिया है, और इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यही एंड करता हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना जरूर ना भूलिएगा। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।